विंडोज़ 7 विस्टा और एक्सपी पर किसी भी फोल्डर पर पासवर्ड लगाने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट नया फोल्डर बनाइए, नाम दीजिए और इसको एड टू आर्चिव कीजिए। एड टू आर्चिव करने के बाद एडवांस पे जाइए, सेट पासवर्ड कीजिए, इसको पासवर्ड दे दीजिए, रीटाइप कीजिए, इनक्रप्ट फाइल नेम कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा, ये सीक्रेट का एक फ़ोल्डर बना है आर्चिव में। इस सीक्रेट के फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन से भी निकाल दीजिए। रिसाइकल बिन से निकाला, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये उसी पासवर्ड के थ्रू ओपन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसमें कोई फोल्डर एड करना चाहते हैं, एड में जाइए, ये एक वीडियो पड़ी है डेस्कटॉप पे, इसको ऐड कीजिए, ओके कीजिए और ये यहाँ पर आपके इस आर्चिव में ऐड हो जाएगी। इसको ऐड करने के बाद ये यहाँ से वीडियो को डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गई, यहाँ से बंद कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए, पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड देने के बाद इसको आप देखेंगे कि आपकी वीडियो यहाँ मौजूद है। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी फोल्डर को पासवर्ड लगाया जा सकता है।